मेरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है भाई, क्योंकि ट्रेड अपना एग्जिट हो चुका है और यहाँ अपना ट्रेड चल रहा है। और कलर वलर लगा था बॉडी पे, गीले थे वैसे ही बैठ गया मैं। अबे देखो यहाँ ये पूरा इसका जो है कलर है वो थोड़ा सा लग गया है इसमें। बाकी जो रनिंग ट्रेड था वैसे चलते रहते हैं, पता नहीं इनका सिस्टम ग्लिच है क्या ग्लिच है, मेरे को समझ नहीं आया। एंड अब हम बोलेंगे तो फिर कुछ, अपन बोलूंगा तो अकेले बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा इस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के, बढ़िया होंगे। मैं तो अभी उठ रहा हूँ भाई, मतलब वही रोज के टाइम पर उठ रहा हूँ, अभी जिम जाना है और मुंह का कलर उतरा नहीं है। धीरे धीरे इस कलर को उतारने के लिए मुझे 2 बार 3 बार मुंह धोना पड़ रहा है, तभी मुझे लग रहा है कलर उतरेगा। मेरी गाड़ी का कलर देख रहे होंगे आप, ऐसी तैसी हो गई गाड़ी की भाई, होली के चक्कर में भयंकर मैं कांडी करवा कर देता हूँ अपने साथ, यानी तो भाई गाड़ी कैसी तैसी हो चुकी है फिलहाल के लिए। तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ, मैं दिन में इसको फॉर्म वॉश अंदर से इंटीरियर पूरा क्लीन करवाना पड़ेगा मुझे, है ना। चीज़ बढ़िया है लेकिन खर्चा क्या ही बताऊँ, गाड़ी का खर्चा देखते हैं। इसकी रिप्लेसमेंट हुई, ये अपनी पहली है तो दूसरी गाड़ी का बनेगा प्लान बहुत जल्दी, लेकिन उससे पहले कई सारी चीज़ चल रही है तो क्या टफ होता है बनाना। इतना भी अपन इतना भी पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, ये इतना ही पैसा हम नहीं कमा रहे कि भैया आए दिन हम गाड़ियाँ ले लें वो ले लें। इतना भी सोशल मीडिया वाला बंदा इतना ज़्यादा भी नहीं कमाता, टॉप लेवल पर जो बैठे वो बनाते हैं अच्छा खासा ठीक ठाक बनाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि भैया वो जो असल रियल रिच होते हैं बंदे उनको बीट कर पाए, है ना। दिखावा बहुत ज़्यादा होता है, दिखावा बहुत ज़्यादा ही किया जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बंदा है तो अब ये मान लो उसको अपने आप को इस तरीके से दिखाना होता है कि वो जो उसको देख रहे हैं जो उसके व्यूअर्स हैं, है ना, वो अगर उसको देख रहे हैं तो व्यूअर्स की जो ड्रीम लाइफ है वो जी रहा है, इस तरीके से उसको दिखाना होता है ना। दिखाने को भी अपन भी कर सकते हैं कि भैया एक एक बढ़िया मैं यहाँ पे लग्जरी गाड़ी भी ले लूँ वो भी ले लूँ और बढ़िया दिखाऊँ, देखो क्या मस्त बना है ट्रेडिंग से ये वो, लेकिन ऐसा है नहीं रियल में, बहुत मेहनत लगती है पैसा भाई, उसको पता होता है पैसे की कीमत जो है ना, मरते मरते मौत के मुँह से निकल के आया हो और फिर जाके उसने उन्हें आपको बचाया हो निकाला हो, तो उसको पैसे की कीमत पता है, है ना। तो देखते हैं, और ऐसी हवाबाजी अपने को ज़्यादा नहीं जचती, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा हवाबाजी करेंगे उतना जल्दी आदमी नीचे भी आता है, है ना। ये लाइफ का मतलब वो है, नियम है ज़िंदगी का, ये मैंने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस बहुत बात किया हुआ है ज़िंदगी में। तो अभी चलते हैं जिम, करते हैं वर्कआउट और बनाते हैं अपनी बॉडी को फिट। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपन जिम एरिया पे, और यहाँ पर तो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, अपनी तो मैंने देखी कि मैं पार्किंग में डालता हूँ और ये हमारी गाड़ी में ही रेडी होते हैं क्योंकि इनका घर ही गाड़ी है। चलो, और ये जो रंग देख रहे हो ये अंश छोड़े हुए हमने कल के, जो हम कट्टा लेके आए थे हमको यहीं खाली करना पड़ा ये। चलो जल्दी चलो, वर्कआउट ख़त्म करके मैं आ चुका हूँ वापस घर की तरफ अपने, और होली ख़त्म हुई तो अब गर्मी भी बढ़ने लग गई है, फील हो रहा है सुबह सुबह अभी ना एकदम से। गाड़ी में एसी नहीं चला रहे तो वो हीट वाला जो फील होता है ना वो होने लग गया है भाई, तो पानी वानी बचाओ, है ना, और दिन में एक बार जरूर ना हो ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ, अभी देखते हैं आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है वैसे, लेट्स सी अपन क्या कर पाते हैं, क्या उखाड़ पाते हैं मार्केट के अंदर, क्या ट्रेड कर पाते हैं। बाकी गाड़ी भी मैंने आज ये वॉशिंग के लिए क्लीनिंग के लिए भी देनी है दिन में, तो लेट्स सी कल बहेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट, 180 के आसपास का प्रॉफिट, सिर्फ 40,000 में अपन क्लोज करके चले गए। तो अभी देखते हैं, देख रहा हूँ सोच रहा हूँ कि अभी मैं ट्रेड जो कर रहा हूँ उसको एक लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड करूँ, लेट्स सी अपने से हो पाते नहीं हो पाते, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ यार, मेरी लाइव ट्रेडिंग करना ये रिकॉर्ड करना ये मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड टाइप का लगता है, अनकम्फर्टेबल लगता है,
करना, क्योंकि आप एक फुल टाइम ट्रेडर, एक्टिव ट्रेडर हो। एक तो होता है कि आपको लोगों को दिखाने के लिए ट्रेड करना कि हमें हम दिखा रहे, देखो देख। एक होता है कि हाँ अपन अपने लिए ट्रेड करते हैं, अपना एक ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है उससे कहीं ना। इसलिए मैं कभी भी अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इसमें कितना रिटर्न बना, क्या, कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि वो अपना हार्ड अर्नड मनी है, समझो। तो लेट्स सी आज क्या करते हैं अपन। दोस्तों मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है और अभी तक अपनी कोई पोजिशन फिलहाल है नहीं, तो अपन रिकॉर्ड भी यहाँ पर कर रहे हैं इसको। रिकॉर्डिंग सेटअप अपना ऑन है फिलहाल। देखते हैं क्या है मार्केट आज, क्या करता है, क्या देता है। फिलहाल के लिए तो पूरा मार्केट अपना मेरे को ट्रैप बनाता हुआ दिख रहा है कि ये इसने ब्रेकआउट तो शो किया है, ये अभी पटकेगा नीचे, यहाँ तोड़ सकता है, तोड़ने के बाद हो सकता है चला जाए, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ से तो एक वन साइड रैली जा गई है और मार्केट साइडवेज है, ऐसे मार्केट में इतना मूव भी बहुत होता है, उसके बाद एक करेक्शन दिखाएगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेंगे। तो देखते हैं क्या करता है प्रीमियम। फिलहाल के लिए अपनी कोई पोजीशन नहीं है मार्केट में, ऑब्जर्वेशन चल रही है। लेट्स सी बैंक निफ्टी हमें क्या करवाती है आज, फंसाती है या देती है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना निफ्टी बैंक में एक ऐसा लिया है और यहाँ पर एक अपना निफ्टी में अपना एक मोमेंटम पे यहाँ पर सेटअप बना था, एक अच्छा खासा हेल्दी सेटअप एक बार, एंड यहाँ के बाद एक मूवमेंट और वही निफ्टी बैंक में। तो फिलहाल जो अपना अभी करंट प्रॉफिट है वो है 22,000, इसमें 53,000 बने थे और इसमें 31,000 मेरा ऐसा लग गया है। लेट्स क्या होता है अपना सेकंड हाफ में। दोस्तों आज भी कंप्लीट मार्केट साइडवेज ही है, एक छोटा सा एक सुबह का मॉर्निंग का मूव दिया था, उसके बाद साइडवेज हुआ पड़ा है और अभी मूव जो भी आ रहा है मतलब कुछ खास ऐसा आ नहीं रहा है कि ऊपर नीचे अपने को मूवमेंट ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप देखोगे स्टॉक्स तो जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किए थे परफॉर्म किए हैं, इस मार्केट को देखो, मार्केट में बात नहीं है आज, मतलब रेंज जैसा ही बना हुआ था, इसमें प्रीमियम कुछ खास बढ़ते बढ़ते है नहीं और विक्स भी आपका अभी कूल डाउन हुआ पड़ा है। बैंक निफ्टी नीचे तो आया लेकिन पुट के कोई प्रीमियम में उतना खास जंप देखने को मिला ही नहीं है। टॉप से आया 46,920 से आया नीचे 46,720, मतलब यहाँ पे मान लो 200 पॉइंट के आसपास का आया हुआ है, बट कुछ हुआ नहीं है मतलब, है ना। और यही बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी तो साइड में रेंज में ही पड़ा हुआ है अपना, तो छोड़ में इनमें री एंटर किया था ट्रेड में कुछ कुछ क्वांटिटी से, अपना 43,000 के अप्रॉक्स अभी बना हुआ है। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर अपना एक अच्छा खासा रिवर्सल सेटअप में जो प्लान कर रहा था वो बना था निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी देखो अच्छा खासा मूवमेंट आया 3 PM के बाद, एक जबरदस्त रैली ऊपर को आई है, प्रीमियम तो आ गई मतलब लग गई प्रीमियम के अंदर। उसका मेन रीज़न है HDFC बैंक, अगर आप उसको देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया है इसके अंदर। और इस मूवमेंट के साथ ही प्रीमियम के अंदर देखोगे तो आज 27 तारीख आज की एक्सपायरी का जो मूव है 3 PM पे आया, 20 रुपये से 100 चला गया, और 100 से मुझे लग रहा है 150 ना मार दे अभी। बैंक निफ्टी हुई, निफ्टी में भी अच्छा खासा प्रीमियम के अंदर मूव आया, तो निफ्टी में मैंने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा था, इस जगह पर ट्रेड पकड़ने की कोशिश की थी, बहुत ज़बरदस्त एक स्पाइक अपने को मिला और एक ट्रेड को मैंने पहले उठाया था, तो उसमें अपना कुछ क्वांटिटी में निकल गया। तो अभी यहाँ तो अपना 1,17 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है और ये पता नहीं कैसे चल रहा है क्योंकि मेरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है भाई क्योंकि ट्रेड अपना एग्जिट हो चुका है और यहाँ अपना ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो इधर 1:10, 1:11, 1:12 चल रहा है। अभी मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे एवरेज 100 की अराउंड की बाइक निकाली, लेकिन मैंने 90 पर उठा के 105.6756 पर निकाल दिया था इस ट्रेड को, जिसमें मेरा 95,000 बना है। तो इधर पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। दोस्तों अपना सब कुछ हो गया काम धंधा आज का, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, देखो ये जो है सीट गाड़ी की, इसमें अपन बैठे थे और कलर वलर लगा था बॉडी पे, गीले थे वैसे ही बैठ गया मैं। अबे देखो यहाँ ये पूरा इसका जो है कलर है वो थोड़ा सा लग गया है इसमें, मैंने पूरा क्लीन वॉश तो करवा दिया, पूरी गाड़ी साफ करवा दी है, देखो आगे पीछे अंदर फॉर्म वॉश करवाया, लेकिन जो सीट में है ये देखो पूरा सीट जो है ये हो चुका है, कलर हो चुका है इसमें, मतलब कलर लग गया है इसमें, शायद सूख गया है कलर, इस पर कुछ हो गया। तो ये देखो पूरा यहाँ पर भी है और ये बैक इधर सीट भी, क्योंकि अपन इसमें गीले ही बैठे थे। तो अगर अब इसके बाद इसमें क्या किया जाए, आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो भाई मुझे कमेंट करके बता दो कि इसमें ये हो सकता है ना। मुझे तो जहाँ तक मुझे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये निकलेगा क्या, तो उन्होंने क्लीन व्लीन सब कर दिया है, पूरा फॉर्म वॉश किया है गाड़ी में मैंने, ये सर स्टेरिंग वगैरह पे भी देखो, अगर मेरे हाथ तो हो ही रहे लाल, ये देखो ये पूरा यहाँ पे भी लग गया, जहाँ यहाँ से स्टेरिंग का कुछ कलर उतर रहा था यहाँ पे लग चुका है। ये इसका कोई सॉल्यूशन बताओ अगर आपको पता है तो, कि क्या हो सकता है इसमें। देखो पूरा सीट वीट में पूरा का पूरा ऐसी तैसी हो रखी है, नीचे नीचे तो साफ हो गया, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब साफ हो गया है ना, प्लास्टिक व्लास्टिक इस साइड वाला आइटम सब साफ है, क्लियर है, बट इस सीट में हो गया क्योंकि लेदर सीट है आई थिंक। या देखो तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि अपना इंटीरियर वापस से पहले ऐसा हो जाए, तो भाई आप कमेंट करके बताओ। बाकी फिलहाल के लिए तो मैं जा रहा हूँ मार्केट, कुछ
कहीं बैठते हैं, लेट्स गो। तो भाई मैं आया हूँ यहाँ कॉम्प्लेक्स में, तो अपने या पहाड़ के भाई लोग यहाँ पर ट्रेड वेट कर रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं है कि भैया मेरे डेली व्लॉग्स भी चलते हैं। मेरा चैनल का नाम है दिनेश केरोला, उसमें डेली व्लॉग चलते हैं, स्टॉक बनने वाला। वो तुम्हारे टेलीग्राम पर सुबह सुबह आता तो है एक पोस्ट। अच्छा हाँ, उसमें डेली व्लॉग का एक, मैं जैसे सुबह व्लॉग डलता 8 बजे उसमें आ जाता है। तो भाई इनको इनको मालूम ही नहीं है कि अपना डेली व्लॉग भी चलते हैं। अभी अभी कह रहे स्टॉक बनने में तुम डेली व्लॉगिंग करो, वो उस चैनल पर नहीं नहीं उस पर मत करो, वो ठीक है कर दिया मैंने उसमें। तो भाई ये भी ट्रेडर है, ये अपना स्टॉक्स ऑप्शन ऑप्शंस में कर रहे हैं, ये स्टॉक्स में कर रहे हैं, ये डिविडेंड के लिए काम करते हैं, ये डेली का 1500 कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है अपने, 1500 कम बोलते हैं, मतलब 4-5 हज़ार से 1500 कम हो गया। ये ऑप्शन से आइए गाइस, ये ऑप्शन से मतलब 4-5 हज़ार डेली का कमाने के लिए काम कर रहे हैं। बस मेरे को इतना ही चाहिए, मतलब संतुष्ट। बताओ मेरे को एक सेटिस्फेक्शन चाहिए बस। हाँ, एक गाड़ी हो ऐसी। अच्छा, एक छोटा सा घर हो। डालना मत यार व्लॉग, छोटा सा घर हो, एक बाइक हो, वो R15 खड़ी है सामने। हाँ, बस इतना है, और एक बीवी हो, बस हो गया। अब तुम ये बताओ, तुमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे घुसे? तुमने बताया था तुम्हारे पास 3 डॉग हैं। ट्रेडिंग में कैसे? मेरे पास 2-3 कुत्ते हैं। मेरे को ना उनको रोज मीट खिलाना होता है, मेरे जो जेब का पॉकेट मनी हो तो सारा उड़ जाता है। तो जो वो 200-300 रुपए के लिए मैं ऑप्शन में घुसा था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि हाँ मैं भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूँ ऑप्शन पे। हाँ, ये सीखते सीखते अभी भी सीख रहा हूँ। सीख ही रहा हूँ, मतलब अपने जो फेवरेट जो डॉग्स हैं उनको फीड करने के लिए, प्रॉपर डाइट देने के लिए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। इन्हीं से सीखे, यही मेरे कुत्ते को खाना यही खिलाते हैं, इनडायरेक्टली मेरे कुत्ते खाना यही दिलाते हैं। मेरे कुत्ते को खाने यही खिलाते हैं। मैंने इसलिए बोल दिया ना, ये व्लॉग में डालेंगे ना, अब देखना। ना ना, अब डलेगा वो भी डलेगा। कैसी बात कर रहे हो, तभी तो तुम व्लॉग चैनल देखोगे, इन्हें पता ही नहीं है कि अपना व्लॉग डेली व्लॉग चल रहे हैं। भाई सामने हो गई लड़ाई भयंकर वाली, भड़ा भड़े हॉस्पिटल में, ये है इसके गवाह। लेकिन बहुत हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर को मरीज बना के लेटा दिया, लेकिन इनकी बाइक जो है ये बड़ी शानदार लग रही है। ये बाइक के चक्कर में ही लड़ाई है। ये तुमने कहाँ करवाए? ये लेक सिटी कस्टम में, हल्द्वानी में ही। अरे सॉरी, चंपावत में करवाए। बड़ी सही लग रही है भाई। अपने पास भी है रेड कलर की, आप उसमें हमने कुछ करवाया नहीं, कुछ नहीं करा मैंने, एक बैंड करवाएंगे तुमने। अच्छा, ये तो मैंने भी ऐसे ही लगवा देगा पूरा। आवाज तो मैंने सुन ली, सही है, एक दफा का सही है, बढ़िया लग रही है। कलर काफी सही है, मतलब इसका ना पहाड़ी भाई बंधु मिलते हैं तो फिर अपने तरीके से बातचीत होती है, चलती है। तो अपने को ऑलमोस्ट उनसे बात करते करते एक और भाई आए थे, तो मैं उनको कवर नहीं कर पाया, वो भी ट्रेडर ही, अराउंड 60,000 के आसपास उनका भी लॉस था 6 महीने के अंदर। तो ट्रेडर जब मिलते हैं बातचीत होती है तो वही डिस्कशन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये वो अटरम है नहीं। तो टाइम अपना काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट मेरे 2 घंटे लग गए, डेढ़ से दो घंटे के आसपास शायद लगा हुआ टाइम मेरे को उनके साथ। ठीक है, अपने को अपन यहाँ पे प्लान करते हैं बहुत जल्दी एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी बनाने की, ताकि यहाँ अपने पहाड़ के जितने भी भाई बंधु लोग, दादाबूरी लोग, जितने लोग ट्रेड वेट कर रहे हैं, थोड़ा इनको गाइडेंस मिल पाए, एक दूसरे की गाइडेंस पर काम करेंगे तो प्रॉफिट भले ही करें ना करें, लेकिन ये वो लॉस इतना तो है कि हाँ वो लॉस उतना बड़ा नहीं करेंगे जितना करते हुए आ रहे हैं आज तक। या आपस अकेले अकेले बंदा होता है तो करते हुए इतना बेसाब लॉस करता है, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला होता है, प्रॉफिट करे ना करे, कैसे अपना प्रॉफिट करेगा वो अपने उसके एक्सपीरियंस की बात है, अपना उसके एनालिसिस की बात है, लेकिन लॉस कम करेगा इतनी प्रॉबिलिटी होती है। क्योंकि मेरे टाइम पर अगर मेरे को किसी ने गाइड किया होता, मैंने किसी की सुनी होती, किसी से पूछा होता, किसी अच्छे ट्रेडर ने मेरे को कुछ बताया होता, कुछ चीज़ें समझाई होती, तो हो सकता था मैं उसकी बातों को सीरियसली लेता और डालता दिमाग में, तो मेरे इतने बड़े बड़े लॉसेस नहीं होते, मैं उस बुरी स्टेज में नहीं जाता। तो गाइडेंस जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, आप किसी भी फील्ड में गाइडेंस जरूरी है,
और एक याद रखो कि अगर कोई अदर फील्ड में आपका विन रेट मुश्किल से 1-2% हुआ, IAS PCS UPSC किसी भी तैयारी कर लो, 1-2% के आसपास का विन रेट होता है। ट्रेडिंग के अंदर फिर भी आपका 10% विन रेट है, 10-11% विन रेट है अगर पूरा स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट सीखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, है ना, और एक प्रोसेस होनी चाहिए प्रॉपर। प्रोसेस के थ्रू अगर आप काम करोगे तो सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे, लॉजिकली काम करोगे और, है ना, सेंस में रह के काम करोगे तो आप पैसा बनाओगे, पैसा बन जाता है। लेकिन नॉनसेंस की तरह काम करोगे और इलॉजिकल ट्रेडिंग करोगे, इलॉजिकल तरीके से काम करोगे, जीरो जीरो ड्रीम इलेवन समझ के काम करोगे ना, तो भाई फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, फिर जिंदगी में कभी पैसा नहीं होगा। इतना तो मैं भाई ओपन स्ट्रेट बोल रहा हूँ, जहाँ गैम्बलिंग, जहाँ कोई सेटअप नहीं, जहाँ कोई एज नहीं, वहाँ पर बंदा बर्बाद। आज कमा ले कल कमा देगा, एक दिन में सारा चला जाएगा। हम खुद फेस करते हैं भाई, हम जब इतने टाइम से, मेरे को स्कैल्पिंग का एक्सपीरियंस है, मैं स्कैल्पिंग ही करता हूँ। इवन मैं स्ट्रगल करता हूँ मार्केट में महीने में अपने आप को ग्रीन में रखने की, कुछ प्रॉफिट बने अपने आप को ट्राई करता हूँ कि यार हाँ कुछ ना कुछ तो मंथ के एंड पर लेके जाना है ना, और उसमें ही काफ़ी कंट्रोल करना पड़ता है, तो उतना इजी नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है। और जितने लोग मेरे को यहाँ पर मेरे पहाड़ के भाई बहन लोग मिलते हैं, वही उनका डिस्कशन, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, लास्ट में एट द एंड ऑफ द मंथ क्या है परफॉर्मेंस, वही नेगेटिव में रहती है। तो गाइडेंस जरूरी है, और बाकी मेरा तो आज का जो ट्रेड है वो आपको नीचे क्लिक करोगे दिख जाएगा, कितना 89-90 के आसपास मेरा बना था। बाकी जो लर्निंग ट्रेड था वो ऐसे चलते रहते हैं, पता नहीं इनका सिस्टम ग्लिच है, क्या ग्लिच है, मेरे को समझ नहीं आया, है ना। हम बोलेंगे तो फिर कुछ, अपन बोलूंगा तो अकेले बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, इससे अच्छा अपना रहता है, अपना तो बन गया ना पैसा। तो यही था मेरा आज का दिन, और आज मतलब वर्कआउट भी अपन ने काफ़ी किया था, मैं स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहा हूँ, और आप देखोगे तो देख क्या ही देखोगे, दिखाऊंगा आपको बढ़िया करके, जब बॉडी बन जाएगी दिखने लग जाएगा आपको चेंजमेंट, ऐसे मेरे को ना फील तो हो रहा है। तो वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ रही है धीरे धीरे, वो पुराना वाला जो था दिनेश फौज में जाने से पहले डिफेंस के अंदर जितनी ट्रेनिंग की थी, जिस तरीके से हम सख्त हुआ करते थे, वो आप इसे धीरे धीरे आएगा, लगेगा टाइम, 2-3-4 महीने लगेंगे, बट आई विल बी दैट मच स्ट्रॉन्ग सून, वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी ट्रेड वेड करो कल अपना, देखते कल क्या होगा, कल मतलब कल क्या, आज जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, आज के दिन में जो एक्सपायरी है निफ्टी की है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला हमारा, ये लास्ट एक्सपायरी आज के दिन में, और आई विश आप अच्छे से ट्रेड करो, आप अच्छा पैसा बनाओ, आप ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करो, क्योंकि ऐसे क्रूशियल डेज में, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स भी आ जाते हैं या कुछ भी नहीं आता है, तो संभल के, ठीक है। तो बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो, कमेंट वमेंट कर लिया करो, फिर मज़ा आता है आपके कमेंट वमेंट पढ़ के, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।